Good morning students, how are you all? Students, in last video we have started chapter 19 of EVS class 2. Chapter's name was Things We Make. In this chapter we have seen till yet that there was a girl named Needham who used to help her mother and grandmother in making pots. She was in a family who used to make pots. Okay, next we have seen about Raj, who lives in Jaipur, and he used to help her mother in tying threads for doing tie and dye art on sarees, dupattas, bedsheets and wall hangings. बेटा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक गर्ल थी नीलम जो अपने मम्मी की हेल्प करती थी वीडियो पॉट्स वगैरह बनाने में, पेंटिंग करने में पॉट्स के ऊपर. नेक्स्ट हमने देखा था राज नाम का एक बॉय जो अपने मम्मी की हेल्प करता था टाई एंड डाई यानी कि बंदेज का काम करने में, है ना. अब हम आगे देखते हैं उसकी मदर कैसे वर्क करती थी. राज की हर मदर यूजेस कॉटन और सिल्क क्लोथ. किस तरह का क्लोथ यूज़ करती थी उनकी मम्मा? कॉटन या सिल्क का. कलर्स प्लेन सॉल्ट एंड वाइट विनेगर फॉर डाइंग. अब वो क्या क्या यूज़ करती थी? कॉटन या सिल्क का कपड़ा, कलर्स, प्लेन सॉल्ट यानी कि जो सादा नमक हम लोग खाते में यूज़ करते हैं वो, एंड वाइट विनेगर फॉर डाइंग. डाइंग का जो वो काम करते थे डाई का, उसमें ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते थे. शी प्लान्स अ डिज़ाइन. पहले वो एक डिज़ाइन प्लान करती थी कि उनको कैसी डिज़ाइन बनानी है. देन द क्लोथ इज टाइड विथ कॉटन थ्रेड टाइटली. फिर वो क्या करते थे? क्लोथ जो भी होता था उसको कॉटन थ्रेड से बहुत ज़ोर से इस तरह से बांध देते थे इन अ पैटर्न. अब जिस पैटर्न में भी उनको पेंट बनाना होता था उस पैटर्न में उसको बांध देते थे. द डाइंग स्टार्ट्स विथ लाइट कलर्स फर्स्ट. अब पहले डाइंग में क्या होता है? पहले लाइट कलर यूज़ किया जाता है. पहले लाइट क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि बेटा अगर हम पहले डार्क कलर यूज़ कर लेंगे तो डार्क के ऊपर लाइट कलर कभी दिखता नहीं है, पर लाइट के ऊपर डार्क बहुत ईजिली दिख जाता है, ठीक है ना. तो फर्स्ट कौन सा कलर लगाएंगे? लाइट कलर, जो भी लाइट कलर होगा. जैसे मान लीजिए ये है तो इसमें सबसे ज़्यादा लाइट कलर कौन सा है? येलो. तो पहले येलो कलर लगाएंगे. फिर द क्लोथ इज़ लेफ्ट फॉर 20 मिनट्स आफ्टर द फर्स्ट कलर. अब जो फर्स्ट कलर उन्होंने सोक किया उसके बाद क्लोथ को कितनी देर के लिए छोड़ दिया जाता है? 20 मिनट्स के लिए, जिससे वो अच्छे से सूख जाए. देन इट इज़ सोक्ड इन द सेकेंड कलर. फिर उसको सेकेंड कलर में डालते हैं. देन इट इज़ ड्राइड अगेन. फिर उसको दोबारा सुखाते हैं और जब उसको खोलते हैं तो वो कैसा लगता है? When it is opened, it looks like a rainbow. वो इस तरह से रेनबो जैसा दिखता है ना स्टूडेंट्स. ये तो बंदेज का काम हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़ में, हम लोग बहुत कई बच्चों के घर में भी होता है तो वो बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे कि वो कैसे होता है. प्लेट्स ऑफ लीव्स. प्लेट्स ऑफ लीव्स दोना पत्तल जो पत्तियों से बनते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, है ना, वो भी बनाई जाती हैं. वो भी एक स्किल है, हर कोई वो नहीं बना सकता. लिटिल हरी सिट्स नियर रिवर गंगा. अब एक बॉय है लिटिल हरी नाम का, है ना, वो कहाँ बैठता है? रिवर गंगा के पास में, यानी कि गंगा के पास में, गंगा रिवर के पास में बैठता है. तो वहाँ पे वो क्या करता है? ही मेक्स स्मॉल प्लेट्स विथ फ्रेश लीव्स. वहाँ पर फ्रेश लीव्स जो होती हैं और नॉर्मली बनियन ट्री की, पीपल के पत्तों की, उनसे वो क्या करते हैं? हिज पेरेंट्स उनको लेकर वो छोटे छोटे दोने या जिनको हम पत्तल कहते हैं वो बनाते हैं. हर पेरेंट्स कलेक्ट मनी वाइल हरी फोल्ड्स एंड फिक्सेस द लीव्स विथ स्मॉल स्टिक्स. वो छोटी छोटी स्टिक्स लेके ऐसे दोने फिक्स कर देते हैं और उसके पेरेंट्स जब तक लोगों से पैसे ले लेते हैं. ही पुट्स सम फ्लावर दिया एंड कुमकुम. और उसमें ऐसे पत्तल में वो क्या लगाते हैं? फ्लावर्स लगाते हैं, दिया और कुमकुम लगाते हैं, है ना, जो हम लोग सिंदूर बोलते हैं ना जिसको. ऑन द प्लेट्स दैट लुक लाइक लिटिल बास्केट. और इस तरह से वो पतल कैसे लगने लगती है? छोटी सी बास्केट जैसी. पीपल बाय द प्लेट एंड लाइट दियाज. फिर वो क्या करते हैं लोग बाग? उन प्लेट्स को ख़रीदते हैं और दियाज को जलाते हैं. द प्लेट्स आर फ्लोटेड ऑन द रिवर. और फिर उनको क्या करते हैं? इस तरह से नदी में बहा दिया जाता है. ये एक तरह से गंगा की, जब रिवर गंगा की पूजा जब होती है तो इस तरह से होता है. इन द इवनिंग
द होल रिवर लुक्स लाइक अ स्टारी स्काई। और जब ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे दिए रिवर में जाते हैं तो कैसा लगता है, जैसे जैसे तारों भरा आसमान ज़मीन पर आ गया हो, है ना। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द क्राफ्ट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब बच्चे अधिकतर क्या सीखते हैं, जो उनके पेरेंट्स करते हैं। जैसे अगर आपके पापा बहुत अच्छे राइटर हैं तो आप भी राइटिंग सीख जाएंगे, अगर किसी के पापा पेंटर हैं तो वो पेंटिंग सीख जाता है, है ना। अधिकतर जैसा घर में जो बच्चे देखते हैं वही वो सीखते हैं। दे हेल्प द फैमिली इन अर्निंग मनी। अब ये जो बच्चे हैं, ये अधिकतर अभी हमने जितने भी तीनों बच्चे देखे, वो थ्री चिल्ड्रन क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स की पैसे कमाने में भी हेल्प करते हैं। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे शुड गो टू स्कूल। बट इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि वो सिर्फ ये काम ना करें, इसके साथ उनका स्कूल जाना और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, है ना। एजुकेशन विल गिव देम अ गुड चांस टू लर्न डिफरेंट स्किल्स प्रॉपरली। जब वो एजुकेशन यानी कि पढ़ाई करेंगे तो वो अपनी जो उनकी स्किल्स हैं या और भी नई स्किल्स सीखने के लिए उनको एक अच्छा चांस मिलेगा, प्रॉपरली वो उसको सीख पाएंगे। दे विल बी एबल टू अर्न मोर मनी व्हेन दे ग्रो अप। अभी छोटे में उनका पैसे कमाना ज़रूरी नहीं है, पर जब वो अच्छे से स्किल्स को अच्छे से लर्न कर लेंगे और जब वो बड़े होंगे तो वो और अच्छे से और ज़्यादा मनी अर्न कर पाएंगे। इस चैप्टर में हमने देखा बेटा कि तीन बच्चे थे, है ना, थ्री चिल्ड्रंस वर देयर। ये तीनों चिल्ड्रन क्या करते थे बेटा, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते थे मनी अर्न करने में। उनके जो उनका वर्क था लाइक पॉटरी और टाई एंड डाई वर्क और प्लेट्स, लीव्स की प्लेट्स, ये जितने भी वर्क थे उसमें वो उनकी हेल्प करते थे। विद डैट उससे क्या होता था, उनके घर में मनी आता था। बट विथ दिस दे यूज टू डू देयर स्टडीज़ ऑल्सो, वो अपनी पढ़ाई भी करते थे। तो कई बच्चे जो आप लोग ऐसा करते हो ना कि हम पढ़ाई करें या काम करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर हमारे यहाँ फिनिश होता है। टुमारो वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।